हेलो गाइज, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने डीपी में लगाने के लिए कुछ इस तरीके का एक जो है लोगो टाइप का यानी डिजाइन टाइप का कुछ इस तरीके से जो है 15 अगस्त का कैसे बना सकते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से ही। कैसे क्या करना होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो आप डिजाइनिंग देख रहे हो इसका जो PLP फाइल है और PNG है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा है पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड 5 है, पासवर्ड 10 है, पासवर्ड 15 है, ऐसा करके 3 जगह पर बोला जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, और आपको पासवर्ड नहीं मिल पाएगा तो आप बैनर यानी इस DP वाले इमेज को भी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। चलिए फटाफट टाइम ना लगाते हुए इस डिज़ाइन को, इस PNG को कैसे बनाना है वो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, इस PNG को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने पिक्सल लैब में आना है। जैसे आप आओगे तो आपका जो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले नीचे के साइड में आपको 4th नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे देखोगे आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये जो ऑप्शन आपके गैलरी में लेके आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर जो अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, यानी जो मेरा फोल्डर जो आप मेरे लिंक से डाउनलोड किए रहोगे वो जो फोल्डर रहेगा उसका नाम रहेगा 75 आज़ादी यानी 75 आज़ादी करके ऐसा कुछ करके मैंने नाम डाला हुआ है। वो नाम से आपको कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे आपको जो अपने काम से मतलब है तो यहाँ पे आपको जो भी PNG दिया गया है, जो भी PLP फाइल दिया गया है उससे काम है, तो आप उससे मतलब रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में या यहाँ पर इमेज दिया हुआ है बैकग्राउंड के लिए, तो इसको मैं यहाँ पर अभी के लिए ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी आपको करना क्या है, प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है, और एक एक PNG को यहाँ पर फटाफट ओपन करके सेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ मैंने आपको जो भी सारा PNG दिया हुआ है वो सारे PNG को एक एक करके ओपन करके सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सर्कल वाला PNG है इसको मैं ओपन करके सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको सेट करने के बाद मैं लेयर की ऑप्शन में जाकर इसको लॉक कर देता हूँ ताकि मुझे एडिटिंग करने में परेशानी ना हो। और यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट वाला लेयर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ पासवर्ड 1, और मैं प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ। और यहाँ पे चलिए जो PNG है उसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं ये वाला PNG ओपन करके इसको मैं साइज बड़ा करके सेट कर देता हूँ। प्लस की ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ। यहाँ पे एक है PNG हर घर तिरंगा करके, जो उसको मैंने बनाया हुआ है इसको भी मैंने सेट कर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक और PNG है जो कुछ इस तरीके से 75 यानी लिखा गया है कुछ इस तरीके से, और उसके नीचे मैंने कलर में लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और यहाँ पे अगर आप ये PNG देखोगे नेट में तो आपको एक सिंगल कलर में ही दिखाई देगा, मैंने यहाँ पे अलग कलर में टेक्स्ट को लिख के कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक और लड़के का कुछ इस तरीके से झंडा लिए हुए इमेज है, इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा कुछ इस तरीके से। जो टेक्स्ट है इसके ऊपर के साइड में कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो ये भी मेरा यहाँ पे लगभग सेट करके हो गया है। अभी मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ, और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या बचा है यहाँ पे। एक यहाँ पे ए वाला PNG है, इसको भी चलिए ओपन करके यहाँ पे अभी के लिए रखता हूँ मैं। अभी दोस्तों यहाँ पे करना क्या है आपको, इतना काम करने के बाद प्लस के ऑप्शन क्लिक करके शेप को सिलेक्ट करके एक शेप लेना है, और इस डॉट पर क्लिक करके एक सर्कल शेप सेलेक्ट करना है, और इस सर्कल शेप का साइज आपको बढ़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ये जो सर्कल वाला इमेज आपने PNG ओपन किया था आपको उसके जितना साइज आपको बड़ा करना है, इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर देना है। चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर राइट के जो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको थर्ड ऑप्शन में क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जो है रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन भी आना है, और बीच वाला ऊपर नीचे का जो दोनों ऑप्शन इसको सिलेक्ट करने से आपका जो इमेज है सेंटर में आ जाएगा। अभी आपको इस राइट के जो ऑप्शन में क्लिक कर देना है, चले जाना है अपने इस टेक्स्चर के ऑप्शन पर, और यहाँ पर जो गैलरी वाला ऑप्शन इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपने जो बैकग्राउंड यानी आपको उसी फोल्डर में जो बैकग्राउंड दिया गया है इसको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके जो इस इमेज में एक बैकग्राउंड आ जाएगा। अभी आपको ऊपर राइट के जो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद चले जाना है वापस से एडिट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको जो एडिट के ऑप्शन पे नहीं जाना है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ, एडिट के ऑप्शन पर नहीं जाना है। और यहाँ पर आपको चले जाना है जो स्ट्रोक के ऑप्शन पर, इसको इनेबल करना है, और स्ट्रोक को आपको यहाँ पर बढ़ा देना है अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए स्ट्रोक, जितना लगता है कि इतना मुझे अच्छा लगेगा, इतना नहीं इतना अच्छा लगेगा।
उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्ट्रोक जो बढ़ाओगे, बढ़ाने के बाद आपको ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है, और अभी आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अभी आपका जो सर्कल वाला इमेज है दोस्तों, इसको स्क्रॉल करके एकदम लास्ट में लेके जाना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं इसको लास्ट में सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अगर आपको लगता है जो आपने शेप बनाया है इसमें शैडो देना है, तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करके शैडो के ऑप्शन पे जाना है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करते आपके इसमें शैडो आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे शैडो आप अपने हिसाब से ब्लर रेडियस को 0 पे करके ऑफसेट एक्स वाई बढ़ा सकते हो, या तो आप ब्लर रेडियस को भी बढ़ा सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आप इसमें जो कलर भी चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको कलर देना है वो भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद वो आपको ऊपर राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन जाकर इसको लॉक कर देना है, ताकि आपको यहाँ पे जो बाकी का भी जो काम बचा है उसको एडिटिंग करने में परेशानी ना हो। तो चलिए मैं यहाँ पे जो भी सारा PNG दिया हूँ उसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, और लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरा इतना काम करके हो चुका है। अभी मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ, और यहाँ पे चलिए मैं अपना इमेज ले लेता हूँ जो मुझे इस बैनर में लगाना है। मेन बात आती है दोस्तों यहाँ पे इमेज लगाने की, काफ़ी लोग को यहाँ पे इमेज लगाने में समझ में ही नहीं आएगा कैसे इमेज यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे आपको इस अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे अभी आपको अपने इमेज को ओपन कर लेना है, जो भी आपको इमेज लगाना है अपने यहाँ पे इस बैनर में, इसको ओपन करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है। और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन पे चले जाना है। जाने के बाद आपको अपनी इमेज में थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट यूज करना है, तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर राइट की जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना काम कर दो दोस्तों, आपका करके हो चुका है। और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपका जो इमेज है यहाँ पे इस साइड में सर्कल के बाहर साइड में जा रहा है, जो देखने में काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा लग ही नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको चले जाना है। यहाँ पे एक आपको मास्क ऑप्शन मिलता है, तो चलिए देखते कहाँ पे है मास्क का ऑप्शन। तो यहाँ पे ये रहा मास्क ऑप्शन, आपको इसको क्लिक करके इनेबल करना है। जैसे आप इनेबल करोगे तो आपके इसमें कुछ इस तरीके का ये जो है मतलब ऑप्शन आ जाएगा। और अभी आपको इस ऑप्शन को करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको चले जाना है पहले इस ऑप्शन पे, और जाने के बाद यहाँ पे आपको रोटेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसको रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से। पासवर्ड 3 रोटेट करने के बाद आपको इस राइट के ऑप्शन में क्लिक करना है, और इस जो PNG है आपका, सॉरी ये जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे लाना है। लाने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो है अपना इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ये जो आपको पार्ट है इसको बाहर लेके जाना है कुछ इस तरीके से, यानी आपको जो इमेज आपके बाहर लेके जाना है, और यहाँ पे आउट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको जो इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी आप यहाँ पे जो अपने पास दो हैंडल मिल जाते हैं, आप इस हैंडल की मदद से अपने फ़ोटो का जो मतलब आउट पार्ट है उसको आप कट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको कट करना है, और ऊपर राइट के जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका ये जो फोटो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और अभी आप इस लेयर के ऑप्शन क्लिक करोगे, अपने फोटो को नीचे लेके जाना है। यहाँ पे आपका जो ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर का मिक्स सर्कल वाला इमेज है उसके नीचे ले जाके रख देना है। उसके बाद आपको लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके देखोगे तो आपको जो इमेज यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे जो फ्लैग देख रहे हो दोस्तों, यानी झंडा देख रहे हो, इसको मैंने अपने ऊपर यानी जो बाल है मेरा यानी सिर पे माथे पे लगाया हुआ था, तो चलिए मैं इसको भी सेट करके दिखा देता हूँ। इसको आपको साइज छोटा कर लेना है, यानी अपने इमेज के हिसाब से रखना है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसको कुछ इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद दोस्तों चले जाना है यहाँ पे आपको शैडो के ऑप्शन पे। जाने के बाद इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको इस प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, और इस कलर पिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपने इमेज वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको माथे पे जो कलर आपको दिखाई दे रहा है उसी कलर को सिलेक्ट करके ऊपर राइट के जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है, नीचे आपको ओके कर देना है। इतना काम करना है आपको, यानी आपका जो इमेज है उसमें थोड़ा सा शैडो आ जाएगा, तो आपका जो इमेज है वो अलग से लगाया हुआ मतलब ऐसा पता चलता है कि कुछ इमेज है जो उसमें अलग से अटैच किया हुआ, अलग से लगाया हुआ है, तो वैसा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, जैसे लगेगा कि पहले से ही लगाया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने उसमें शैडो दिया है। अभी मैं इसको छोटा करके अगर आपको दिखाऊँ तो देखोगे कुछ इस तरीके से मेरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ मेरा छूट रहा है, मैं प्लस की ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ, और यहाँ पे मैं उसी फोल्डर में चले जाता हूँ जहाँ मैंने बाकी का PNG दिया हुआ था। तो यहाँ पे रहा मेरा PNG, इसको मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे देखोगे कि मेरा जो ग्रीन कलर का शेप है जिसमें मैंने लिखा हुआ है 13 to 15 अगस्त करके, तो ऐसा लिखने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नया टेक्स्ट लेना है, और एक ऑप्शन पर जाकर एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो भी लिखा गया इसको कट कर देना है। कट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर लिख लेना है 13, उसके आगे लिखना है 2, उसके आगे लिखना है 15
और यहाँ पे TS डाल देना है और यहाँ पे अगस्त डाल देना है। तो चलिए मैं अगस्त लिख के डन के ऑप्शन क्लिक करके मैं ओके करता हूँ। और ये जो टेक्स्ट है इसका साइज मैं छोटा करके इस शेप के अंदर ही सेट कर देता हूँ, जितना इसका साइज है उसके हिसाब से ही। और यहाँ पे अभी मैं चले जाता हूँ जो है फॉन्ट के ऑप्शन पे। जाने के बाद यहाँ पे अभी आपको जो भी फॉन्ट पसंद है दोस्तों यहाँ पे आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे कोई एक फॉन्ट को सिलेक्ट करके नीचे ओके करता हूँ, पासवर्ड 8, तो देखोगे मेरा ये भी यहाँ पे लिख के सेट करके यहाँ पे लगभग हो चुका है। अभी आपको इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पे इस तरीके का इमेज, इस तरीके का एक लोगो या DP जो भी बोल सकते हैं उसको बनाने के लिए। और जब आपका ये बन के तैयार हो जाएगा इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना होगा। तो उसके लिए शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे आपको आओगे तो यहाँ पे आपको डायमेंशन है डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, डॉट पे क्लिक करके अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। जैसा क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी डिजाइन बना रहेगा वो डिजाइन आपके गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही काम करना है दोस्तों, तो जाइए आप भी बनाइए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।